बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पे जंगल चट्टी के पास पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पे पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो अविकल्प अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से वापस आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहाँ पे केदारनाथ धाम जाने के लिए पैदल मार्ग खराब हो गया है, पैदल यात्रियों को सुरक्षित पार कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे वापस आने वाले श्रद्धालुओं को वापसी कराने में सहायता की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहाँ पे जंगल चट्टी के पास पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें कि देहरादून में केदारनाथ धाम जाने के लिए पैदल मार्ग खराब हो गया है, जिसपे यात्रियों को जो भी श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग से वापस आना पड़ रहा है, जो अस्थायी वैकल्पिक मार्ग है उसे उन्हें वापस आना पड़ रहा है और पैदल यात्रियों को सुरक्षित पार करवाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहाँ पे पैदल यात्रियों को सुरक्षित पार करवाया जा रहा है, क्योंकि जंगल चट्टी के पास पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इससे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से।